नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज आप सभी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग आईपीएल की भी बहुत सारी अपडेट्स आई है, तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आईपीएल के दूसरे ट्रेड की। तो भाई दूसरा ट्रेड कन्फर्म हो चुका है, राजस्थान रॉयल्स के जो खिलाड़ी थे देवदत्त पडिक्कल, अब देवदत्त पडिक्कल जा चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में, और लखनऊ ने जो है आवेश खान को दे दिया राजस्थान रॉयल्स को, यानी कि अब पडिक्कल खेलेंगे लखनऊ के लिए, आवेश खान खेलेंगे राजस्थान के लिए। ये जो ट्रेड है भाई 100% फिलहाल कन्फर्म हो चुका है, तो बहुत बहुत बधाई दोनों टीम्स को। सेकंड बात, यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी मेजर अपडेट आ रही है रोहित शर्मा को लेके। मैंने आपको टेलीग्राम पे मतलब बताया था ऑलरेडी कि रोहित शर्मा ने भाई सेलेक्टर्स को साफ साफ बोल दिया कि रोहित शर्मा को T20 इंटरनेशनल के लिए आप लोग कंसीडर ना करो, यानी कि रोहित ने अब भाई पूरा मन बना लिया है कि वो आने वाले टाइम में T20 इंटरनेशनल इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे, उनका जो फोकस है वो वनडे और टेस्ट चैम्पियनशिप पे रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्टर लोग ने ऐसा बोल दिया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, अब दोनों जन को हम लोग फ्रीडम देते हैं कि आप लोग खुद से फैसला करो, खुद से डिसाइड करो कि आप लोग को T20 खेलना है या फिर नहीं खेलना है। ये कम्प्लीटली फैसला जो है रोहित और विराट का होगा। अगर रोहित विराट चाहते हैं कि वो T20 खेले तब वो खेलेंगे, अगर वो नहीं चाहते हैं वो नहीं खेले तब उनको कोई भी फोर्स किया नहीं जाएगा। दोस्तों जैसे इसको लेके आगे कोई भी अपडेट्स आएगी या फिर आईपीएल का अभी ऑक्शन आ रहा है, ट्रेड चालू है, ख़त्म हो चुकी है और भी न्यूज़ आएगी, तो मैं आप सभी को सबसे पहले कहाँ पे दूंगा, हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। वहाँ पे आप लोग नहीं हो तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दिया है, क्लिक करो भाई टेलीग्राम को हमारे, अब भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आप लोग लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप लोग आपके टेलीग्राम के ऐप पे जाओ, ऊपर आप सभी को सर्च करना है क्रिकेट विद पवन और उसको याद से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अब एक और अपडेट आ रही है दिल्ली कैपिटल के हवाले से कि दिल्ली की टीम सरफराज खान और मनीष पांडे दोनों को रिलीज़ कर चुकी है। तो भाई अभी देखते हैं किस तरीके से दिल्ली की टीम नए प्लेयर्स को लाती है, ग्रूम करती है, लेकिन सोर्स के हवाले से अपडेट आ रही है दिल्ली की टीम ने सरफराज खान और मनीष पांडे दोनों प्लेयर को फिलहाल ऑक्शन के लिए रिलीज़ कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट बात करते हैं हार्दिक पांडे की। तो भाई हार्दिक पांड्या को लेके अपडेट आ रही है कि उनकी जो इंजरी थी थोड़ी सी सीरियस दिखाई दे रही है। हार्दिक पांड्या बताया जा रहा है कि जनवरी के महीने तक फिट हो जाएंगे, लेकिन टीम इंडिया का उसके बाद ज़्यादा मैचेस नहीं है, तब खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या डायरेक्टली आईपीएल 2024 में हम सभी को खेलते हुए दिखाई देंगे। उनका वापसी, उनकी कमबैक डायरेक्टली आईपीएल में होगा, यानी कि बहुत लंबा टाइम भाई, बहुत लंबा गैप हो गया वर्ल्ड कप के बाद डायरेक्ट आईपीएल खेलना, ये हार्दिक शायद सोचे नहीं रहेंगे कि इतना लंबा टाइम उनको लगेगा रिकवर करने में। नेक्स्ट अपडेट ये आ रही है हमारे फुल टाइम नए कोच को लेके। राहुल द्रविड़ का जो टेन्योर था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो वर्ल्ड कप के साथ ही ख़त्म हो गया। अब राहुल द्रविड़ ने ऐसा बोल दिया है कि वो टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पे शायद कंटिन्यू ना करे, तब खबर आ रही है कि वीवीएस लक्ष्मण को जो है टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया जाएगा फुल टाइम। जी हाँ भाई, फुल टाइम की बात कर रहा हूँ, तो अभी देखते हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, ऑफिशियल होगी तो मैं आप सभी को टेलीग्राम पर फिलहाल देता चलूँगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गौतम गंभीर को लेके। आपको मैंने बता दिया था भाई कल अलग से वीडियो बना के कि गौतम गंभीर KKR के नए मेंटोर बन चुके हैं। लखनऊ की टीम को गंभीर ने भाई अलविदा कह दिया और गंभीर अब जुड़ चुके हैं KKR के साथ में। उम्मीद करते हैं KKR में अब कोई ना कोई कारनामा गंभीर करके दिखाएंगे बतौर मेंटोर। और एट दिन उससे बात करते हैं लास्ट खबर की, तो ये आ रही है राशिद खान और बिग बैश लीग को लेके। राशिद खान बहुत फेमस खिलाड़ी है, बिग बैश लीग में खेलते हैं भाई एडिलेड के लिए, लेकिन अब दुर्भाग्यवश राशिद खान ये साल का बिग बैश लीग नहीं खेल पाएंगे बैक इंजरी के चलते। जी हाँ भाई, बैक इंजरी के चलते राशिद खान ने बिग बैश लीग से वापस ले लिया अपने नाम को कि वो ये साल नहीं खेलेंगे, तो बहुत बड़ा झटका लग चुका है एडिलेड की टीम को। ये थी हमारी सारी आज की अपडेट्स, मैंने आप सभी के सामने रख दी। अब आपको मिलूंगा मैं कल के वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में, लेकिन आप लोग भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करना कंपलसरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।